हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSC कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हम रीजनिंग में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रहे थे, यानी गणितीय संक्रियाएं पढ़ रहे थे। यह इसका अगला पार्ट है। इससे पहले आई थिंक 2 या 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइन स्टार सेवन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 9 स्टार 7 32, मतलब 9 स्टार 7 के बराबर जो है 32 दिया है। 9 स्टार 7 के बराबर 32 दिया है। उसी तरह 13 स्टार 7 के बराबर 120 दिया है। उसी तरह 17 स्टार 9 के बराबर 208 दिया है। तो हमें बताना है कि 19 स्टार 11 के बराबर क्या होगा। यानी कि इनमें जो लॉजिक चल रहा है उसमें सब में एक ही लॉजिक चलेगा। उसी तरह इसमें भी एक लॉजिक चलेगा और उस लॉजिक से हमें इसका मान पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो वह लॉजिक क्या है तो उसको हम पता करेंगे। ठीक है, तो 9 और 7 9 और स्टार 7 बराबर 32 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे बन रहा है? अगर हम इसका 9 का स्क्वायर कर दें और 7 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है दोस्तों, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको घटा देंगे तो दोस्तों को मिल जाएगा 32, यानी 32 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 स्टार 7 बराबर 32 हमें पता करना है। कैसे करेंगे? 9 का स्क्वायर करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें 32 मिल जा रहा है, यानी कि एक लॉजिक हमें मिल गया। देखते हैं दूसरे पे क्या काम करता है। 13 स्टार 7 यानी कि 13 स्टार 7 बराबर 120 मिल जाना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। दोस्तों 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है। घटाने पर दोस्तों हमको 120 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह लॉजिक दूसरे पर भी काम कर गया, यानी कि यह लॉजिक काम कर रहा है। तीसरे पर भी हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे दोस्तों। तो तीसरे पर चेक करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 9 का स्क्वायर, तो दोस्तों 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है दोस्तों, 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 9 का स्क्वायर होता है 21 होता है। ठीक है दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81 होता है। घटाएंगे दोस्तों 208 मिल जाएगा। यानी कि ये लॉजिक 100% वर्क कर रहा है, सब पर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 19 का स्क्वायर होता है, देखिए आप निकालेंगे तो 361 मिलेगा। 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर 121, तो हमें मिल जाएगा 240। दोस्तों कितना मिल जाएगा? 240। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप घटा कर देख लीजिए, 240 इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 × 6, 5 × 6 बराबर 42। 5 × 6 बराबर 42 दिया है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 2 × 8 बराबर 27, 4 × 9 बराबर 50, तो 7 × 0 बराबर क्या होगा। मतलब इसमें जो लॉजिक काम कर रहा है इसमें भी वही लॉजिक काम करेगा और लास्ट वाले में भी वही लॉजिक काम करेगा। उसी की मदद से हम इसका मान पता करेंगे, यानी कि एक लॉजिक इसमें काम करेगा जिसकी मदद से हम इसका मान पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है वो लॉजिक, तो देखते हैं। 5 × 6 मतलब 5 × 6 42 बन रहा है। कैसे दोस्तों? अगर हम 5 में 1 ऐड कर दें और 6 में 1 ऐड कर दें। ठीक है दोस्तों, 1 जोड़ दें तो यहाँ मिल जाएगा 6 और यह मिल जाएगा दोस्तों 7। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों? 42। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 42 तो हमें मिल रहा है। अगर देखें तो अगले वाले में क्या यह काम कर रहा है लॉजिक, 2 × 8 मतलब 2 × 8। दोस्तों कितना? 2 × 8, तो 2 × 8 मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 8 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 9। दोनों का गुणा करेंगे मिल जाएगा 27। यानी कि ये लॉजिक काम कर रहा है दोस्तों। क्या करना हमको पड़ रहा है? पहले वाले में 1 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले में 1 जोड़ना पड़ रहा है, दूसरे वाले में भी 1 जोड़ना पड़ रहा है, दोनों का मल्टीपल करना पड़ रहा है। तो 6 × 7 = 42 हो गया था। इसी प्रकार इसमें 3 और 9 27 हो गया था। अगले वाले में दोस्तों
अगला रन देखते हैं क्या हम करता है या नहीं। चार में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा दोस्तों, चार में एक जोड़ेंगे 5 और उसी तरह 9 में एक जोड़ेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 50, 50 हो जाएगा दोस्तों हमें मिल जाएगा। उसी तरह देखते हैं लास्ट वाले में क्या लॉजिक काम करता है। लास्ट वाले में 7 × 0 दोस्तों, 7 × 0 है ठीक है। इसमें अगर हम एक ऐड कर दें दोस्तों कितना मिल जाएगा, 8 × 0 में एक ऐड करने पे दोस्तों, 0 में एक अगर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर एक ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा ठीक है दोस्तों। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा, 8। तो 8 इज़ द राइट आंसर, या कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 4 4 4 * 6 = 72 ठीक है दोस्तों। 4 * 6 = 72 दिया है। उसी तरह 81 * 5 = 225, 9 * (?) = 147, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पता करनी है। बाकियों में हमको पूरे का मान पता करना था, इस वाले का पता करना पड़ता था, इस वाले में हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता करना है ठीक है। तो इसमें कौन सा लॉजिक काम कर रहा है दोस्तों, 4 * 6। अगर दोस्तों इन दोनों का मल्टीपल करें तो 24 हो जाएगा, 24 में अगर हम 3 से गुणा करें तो हो जाएगा 72 ठीक है। 3 से गुणा करने 72 हो जा रहा है। देखते हैं अगले वाले में ऐसा करके, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल करके जो 3 से गुणा कर दें तो 72 मिल गया। इन दोनों का देखते हैं मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 405, और 405 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1215 दोस्तों, 1215, यानी कि बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। 225 से 1215 बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है ठीक है। तो यह लॉजिक फेल हो गया। आगे देखते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करके 10, इन दोनों को ऐड करके 6, मतलब कुछ लॉजिक काम नहीं करेगा ठीक है दोस्तों, ऐड करने पर भी कुछ लॉजिक काम नहीं करेगा। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। 4 * 6, यानी कि अगर 4 का हम रूट ले लें दोस्तों, 4 का रूट ले लें, गुणे कर दें 6, 6 के स्क्वायर से, 4 का रूट लेकर 6 के स्क्वायर से गुणा कर दें। 4 का रूट होता है दोस्तों 2 × 6 का स्क्वायर होता है 36 दोस्तों। इन दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा हमें 72 दोस्तों। 4 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2, 4 का वर्गमूल दोस्तों हम लेंगे तो 2 मिल जाएगा, 6 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 36, यानी कि पहले वाले का रूट दूसरे वाले का स्क्वायर दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है आंसर के बराबर ठीक है। तो अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या लॉजिक काम करता है। पहले वाले का रूट यानी कि 9, 81 का रूट दोस्तों कितना होता है, 81 का रूट दोस्तों होता है 9, और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे अगर तो कितना मिल जाएगा, 225, यानी कि लॉजिक काम कर रहा है ठीक है। तो लास्ट वाले में भी यही करेंगे हम। 9 का रूट दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 का रूट गुड़े क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम यक्स मान लें बराबर 147, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्योंकि दूसरे वाले का स्क्वायर हो रहा है। तो 9 का रूट यानी कि 3 बराबर एक्स स्क्वायर ठीक है दोस्तों, x² = 147। अगर दोस्तों हम 3 से इसे काटें तो जाएगा 49 बार ठीक है दोस्तों, 49 बार, और x² = कितना मिल गया दोस्तों, 49, तो x = दोस्तों कितना मिल जाएगा, 7 ठीक है दोस्तों। तो कौन से ऑप्शन में 7 दिया है, ए ऑप्शन में ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा है, पहले वाले का रूट और दूसरे वाले का स्क्वायर ठीक है दोस्तों, दोनों का मल्टीपल हमको आंसर तक ले जाएगा ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर ठीक है दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में 38 - 15 = 32 दिया ठीक है दोस्तों। उसी तरह 62 - 91 = 7 दिया ठीक है। देखते हैं क्या लॉजिक काम करता है ताकि हमको यह आंसर मिल सके ठीक है। देखते हैं 38 - 15 दिया है। तो 38 में से दोस्तों अगर हम 15 घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 23 मिल जाएगा, 23। अगर दोस्तों 23 का अगर हम पलट कर अंकों को 32 लिख दें तो हमको यह वाला पहला लॉजिक मिल जा रहा है। देखते हैं सेकंड में काम कर रहा है कि नहीं, मतलब दोनों का डिफरेंस लेकर अंकों को पलट दे रहे हैं। देखते हैं सेकेंड में क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 29 ठीक है, दोनों का डिफरेंस 29 आ जाएगा। अगर अंकों को पलटेंगे दोस्तों 92 मिलेगा, जो कि 7 से बहुत अधिक है, यानी कि यह लॉजिक फेल हो गया। देखते हैं अगला लॉजिक दोस्तों, इसमें अगर 38 माइनस 15 में अगर दोस्तों इसको हम पलट कर 83 लिख दें,
इसको पलट कर, पहले वाले को पलट कर 83 और दूसरे वाले को भी पलट दें और 51 लिख दें। दोस्तों अंकों को आपस में पलट दिया जा रहा है, 38 को 83 लिख दे रहे हैं, 8 को पहले और 3 को बाद में, उसी तरह 15 को 51। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो हमको 32 मिल जाएगा, ठीक है, आप घटा कर देख लेंगे 32 मिल जाएगा। उसी तरह सेकेंड में देखते हैं काम करता है नहीं, सेकेंड में 62 माइनस 91, 62 माइनस 91, ठीक है दोस्तों, 62 माइनस 91, तो 62 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 26। 26 को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 62 मिलेगा, और 62 को उल्टा करके लिखेंगे तो 26, 91 को उल्टा करके लिखेंगे तो 19। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 7 मिल जा रहा है, यानी कि यार लॉजिक पूरी तरह से काम कर रहा है, यानी कि इसमें भी काम करेगा। तो 74 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, उल्टा करके 47 लिखेंगे दोस्तों। 81 को कितना लिखेंगे दोस्तों, 18 लिखेंगे, क्योंकि उल्टा करके लिखना पड़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना मिल जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। 9 कौन से ऑप्शन में लास्ट में है, पहले वाले, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमें आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप, यह क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके सामने, 12 10 बराबर 1205, 11 8 बराबर 88 5, 16 15 बराबर इतना, ठीक है दोस्तों। यह मिसप्रिंट हो गया है, इसमें प्लस रहेगा बीच में, सब में प्लस रहेगा दोस्तों, आप प्लस बना लेंगे, ठीक है दोस्तों, प्लस बना लेंगे आप, ठीक है। 12 10 रहेगा, 12 प्लस 10, और यहाँ पे रहेगा 11 प्लस 8 रहेगा दोस्तों, 11 प्लस 8, इसमें रहेगा 16 प्लस 15, ठीक है दोस्तों। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक लगा है और कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीपल किया है दोस्तों, 12 गुणे 10, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा दोस्तों, आप ध्यान रखिए रखिएगा, लेकिन इसका मल्टीपल करेंगे तो मिल जाएगा दोस्तों 12 गुणे 10 बराबर 120, ठीक है दोस्तों, आराम से 120 दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया, गलती से छूट गया, तो आप नोट कर लेंगे सब जगह, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे दोस्तों 120 मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें 5 यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है दोस्तों, 5 चिपका देंगे। सेम ट्रिक, सेम लॉजिक इसमें भी, 11 और 8 का मल्टीपल 88 होता है, इसमें 5 चिपका देंगे पीछे, ठीक है दोस्तों, आंसर मिलेगा। सेम लॉजिक इसमें 16 और 15 का मल्टीपल दोस्तों 240 होता है, आप कर लेंगे दोस्त, कैसे दोस्तों, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 56 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो मिल जाएगा 240, ठीक है दोस्तों। तो 240 इसमें 5 चिपका देंगे, 24 05, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला वाला, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यह थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर कोई भी गलती रही हो वीडियो में तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक।